जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड कंपनी के बारे में। स्टैंडर्ड कैपिटल का नाम ही सिर्फ स्टैंडर्ड नहीं है, कंपनी भी काफी ही स्टैंडर्ड है, काफी मतलब शानदार कंपनी। और मैं इस कंपनी को शानदार सिर्फ इस कंपनी के काम के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के जब आप फंडामेंटल देखेंगे, इसमें इन्वेस्टर्स की संख्या देखेंगे और भी जो तमाम चीजें हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आपको सच में समझ में आए कंपनी काफी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड तरीके से काम कर रही है। जैसे कि मैंने जब पिछली बार वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि स्टैंडर्ड कैपिटल लिमिटेड जो कंपनी है एक एनबीएफसी कंपनी है, और एनबीएफसी कंपनियों का काम सिर्फ लोन देना नहीं होता। वैसे लोन देना तो होता ही, आपको बता दूं कि बैंक में लोन लेना जितना पेचीदा काम होता है उससे बहुत कम और आसान तरीके से एनबीएफसी कंपनियां आपको लोन दे देती हैं। ये जो कंपनियां ज्यादातर आम लोग और जो छोटे और मध्यम कारोबारी होते हैं उनको बिना किसी सुरक्षा के पैसा देते हैं। सुरक्षा मतलब यहाँ पे आपको कोई कोलेटरल जमा नहीं करना होता, इजीली लोन मिल जाता है। जिस वजह से स्टैंडर्ड कैपिटल जब मार्केट में एनबीएफसी बन गया है, जब आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड हुआ तो काफी फेमस हुआ था ये स्टॉक, और अभी भी पेन स्टॉक दुनिया में, खासकर जब फाइनेंस के सेक्टर को देखते हैं तो ये स्टॉक सबसे पहले आता है। इसलिए स्टैंडर्ड कैपिटल पर नजर बना के रखना जरूरी है। रही बात इन दिनों प्राइस थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो उसके बारे में समझेंगे कि प्राइस कहाँ पे जाके ठहरेगा। पहले प्राइस नीचे आ रहा हो तो उसका ठहरना जरूरी होता है, मैं बार बार कहता हूँ, कहीं ना कहीं पे सपोर्ट लेके ठहरेगा, उसके बाद ही फिर प्राइस ऊपर उठेगा। तो इस चीज को इस वीडियो में समझेंगे। और भी क्या लेटेस्ट अपडेट है कंपनी के, Q2 के नंबर भी आने वाले हैं, कब तक आएंगे, और भी क्या अपडेट है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले एक्सेल के चार्ट पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस अभी इस रेंज में चल रहा था 1.5 रुपए से लेके, और 1.5 रुपए पे ही इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। 1.5 अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास ही ये प्राइस ठहरा हुआ था। उम्मीद था कि चूंकि 1.5 रुपए से 2 रुपए के बीच में प्राइस घूम रहा है, तो चूंकि कंसोलिडेशन रेंज में है, तो जब जब प्राइस कंसोलिडेशन रेंज में होता है तो जब इससे बाहर निकलता है तो प्राइस ऊपर जाता है, जैसा कि अभी तक हम लोग जानते हुए आए हैं। ये देखेंगे तो पहले यहाँ पर भी यही रेंज था जहां से ये प्राइस ऊपर निकला था, और प्राइस यहाँ से निकल ऊपर गया था, तो जब नीचे आया तो फिर इसी रेंज में आ गया। तो फिर लोगों का लगभग ऐसा ही होता है कि जब रेंज अमाउंट में आ जाते हैं तो प्राइस को ऊपर निकलना होता है, लेकिन यहाँ पे फिर से प्राइस नीचे आ गया। देखिए इसके वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ रीजंस हो सकते हैं। अब पेनी स्टॉक में जो बड़ा बल्क डील होता है, जो स्पेकुलेशन होता है, वो सारी चीजें पता नहीं चलती हैं इजीली, तो कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पे नीचे आया। हालांकि सामान्यतः ऐसा होता है, हम लोगों ने बहुत से मल्टीपल स्टॉक देखे हैं जिसमें इससे जब बाहर निकलता है स्टॉक इस रेंज अमाउंट से तो ऊपर जाता है, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। देखिए जब 10 साल का या मैक्सिमम चार्ट फ्रेम आप ओपन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1 रुपए पे भी इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी कि अगर प्राइस नीचे आता भी है, बहुत नीचे आता है, तो ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए तक आ सकता है। 1 रुपए तक आने के बाद फिर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगा, तो पहले इस 1.5 से 2 रुपए के बीच में आएगा, और इसमें समय बिताने के बाद फिर प्राइस ऊपर निकलेगा, तो इजिली आपको 3.5 रुपए तक जाते हुए दिखेगा। यानी कि अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं, चाहे किसी भी लेवल पर किए हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। थोड़ा सा प्राइस नीचे आ रहा है, आने दीजिए 1 रुपए तक। 1 रुपए कोई बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा, अगर 1 रुपए तक प्राइस आता भी है तो बस 1 रुपए तक आने तक वेट कीजिए, उसके बाद प्राइस निकलेगा, और फिर से आपको 1.5 से 2 रुपए तक, और उसके बाद 3.5 रुपए। और चूंकि यहाँ से देखेंगे तो प्राइस कहीं ना कहीं हायर हाई बना रहा है, 3.5 रुपए तक आने के बाद लगभग इसके डबल यानी कि 7-8 रुपए तक जाने का दमखम ये स्टॉक रखता है। तो ये तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से क्या इस स्टॉक में हो सकता है मैंने बता दिया। अब बात करते हैं लॉन्ग टाइम होराइजन की, जिन लोगों ने इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के विजन से पैसा लगाया है उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट जब आप इस कंपनी का देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी का जो सेल्स है क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे इंक्रीज करते हुए दिखेगा, यानी कि सस्टेनेबल बेसिस पे ग्रोथ तो इस स्टॉक में हो रहा है। लेकिन चूंकि फाइनेंस के सेक्टर की कंपनी है, फाइनेंस के जो सेक्टर वाली कंपनियां होती हैं उनको चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है, और ये कंपनी सिर्फ देखिए जैसे मैंने बताया कि इसका जो मेन काम है लोन्स वगैरह बांटना। अब कंपनी के पास यदि मान लीजिए पैसा कम आता है, और चूंकि इसको लोन्स भी देना है, तो ये एक दिक्कत की बात हो सकती है। यहाँ पे जब आप नेट प्रॉफिट देखते हैं तो इतना सारी चीजें करने के बाद भी ये कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है, जबकि जो दूसरी कंपनियां देखेंगे आप इस सेक्टर की और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है, उस मार्केट कैप के हिसाब से जो मार्केट कैप है इस कंपनी का, उस मार्केट कैप के हिसाब से जब दूसरी कंपनी देखेंगे इसी सेक्टर का, तो ज्यादातर आपको लॉस में देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, ये कंपनी अभी भी देखेंगे तो प्रॉफिट में। हालांकि 2-3 क्वार्टर से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे कंपनी के Q2 का नंबर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि अब आने ही वाला है। बीएससी की वेबसाइट में मैं दिखा दूंगा इसका अपडेट आ गया है, उम्मीद है कि इस मंथ के लास्ट तक आ जाएगा। Q2 के नंबर में आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए दिखा है, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो चूंकि कंपनी के पास कुछ मेजर डेब्ट है नहीं, एक बार कंपनी
प्रॉफिट में तो अभी है, लेकिन प्रॉफिट का बढ़ना जरूरी है। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है शेयर प्राइस भी आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। और जैसे मैंने बताया कि जल्दी निचले स्तर से उठ के 1 रुपए से उठ के प्राइस आपको 1.5 से 2 रुपए के बीच जाते हुए दिखेगा। इस कंपनी में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखते हैं तो इसमें देखने को मिलेगा कि इसके जो प्रोमोटर्स हैं वो ठीक ठाक मात्रा में इस कंपनी में है। सामान्यतः पेनी स्टॉक में प्रोमोटर्स नदारद होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है और बाकी पब्लिक हिस्सेदारी भी स्टॉक में ठीक ठाक है। यानी कि ओवरऑल बात यह है कि स्टैंडर्ड कैपिटल लिमिटेड में आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो लॉन्ग टर्म का आप सोच कर चलिए, आपको इस स्टॉक में निराशा नहीं होगी। और जो लोग हाल फिलहाल में इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जब प्राइस जैसे मैंने बताया कि 1.5 से 2 रुपए के बीच में आ जाए अपने प्रीवियस रेंज में, तो इस रेंज में आने के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको सहूलियत होगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब आप सोचते हैं। तो ओवरऑल सब कहने की बात ये कि स्टैंडर्ड कैपिटल जो स्टॉक है काफी बढ़िया है, आप इसमें बने रहिए। और मन में कोई सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।